चाली चाली आप इधर हो, चाली चाली आप इधर हो, चाली चाली आप इधर हो। यस या नो? चाली चाली तुम यहाँ हो, चाली चाली तुम यहाँ हो, चाली चाली तुम यहाँ हो। यस या नो जवाब दे दो। मम्मा जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। कोई पंखा नहीं चला घर में, सही, कोई हवा नहीं आई, और शायद आपने उस तरह से नहीं देखी जैसे मैंने देखी। मैं दिखाता हूँ, मैंने बस आपने ये चंद सेकंड तो दिए थे, तो मैं रखते रखते में बस मैंने स्कॉल करके कुछ देखा, तो मैं आपको वो क्या है जी। अब आप गौर करेंगे, आप यकीनन हैरान होंगे। ये ना इन्होंने क्या किया हुआ, एक पेपर है, नो यस यस नो, चार पेपर के ना पोर्शन बना दिए और चार कैटेगरीज बना दिए। एक पेंसिल ऐसे रख दिए और एक बिल्कुल ऊपर रख दिए कि जो भी जवाब आए। उइजा बोर्ड याद होगा आपको, एक प्रैक्टिस बड़ी मशहूर हुई थी, सही, कि जी इन मखलूकात से राब्ते की, बात करने की, बुलाने की, उइजा बोर्ड बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं ना, चीजें मूव हो जाती है। सही सही। तो आजकल स्कूल्स में ये हो रहा है, स्कूल्स में ये सीख कर आ रहे हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं पढ़ा रहे। अच्छा। बच्चे आपस में कुछ वीडियोस देखकर, अच्छा, सोशल मीडिया से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही। कि जी अगर यहाँ पर कोई मखलूक है अपनी मौजूदगी जाहिर करे, तो एक इन्होंने तरीका ढूंढा हुआ है कि पेंसिल सीधी रखते हैं और जो भी जवाब होना वो आ जाएगा। सही। तो ये हुआ भी हमारे शाह फैसल कॉलोनी में, करीब तरीन इलाका है हमारे तो यार, कराची शाह फैसल कॉलोनी। सही। अब क्या नाम देते हैं, चार्ली, सही, पुकारने के लिए। हाँ जी, एक जनरल नाम चार्ली रखा हुआ है उन्होंने, कि चार्ली अगर आप हैं तो अपनी आ जाए, मौजूदगी का एहसास दिला दें, नोट कीजिएगा। चाली चाली तुम यहाँ हो, चाली चाली तुम यहाँ हो, चाली चाली तुम यहाँ हो। यस या नो जवाब दे दो। चाली चाली तुम यहाँ हो, यस या नो जवाब दे दो। मम्मा जवाब। इतनी स्मूथ मूव की है यार, नहीं यार ये हो गया है स्मूथ, बड़ी स्मूथ मूव है, पैरानॉर्मल है ये तो सर, ये हो गया है। फिर दिखाओ एक दफा। मैं बड़े गौर से देख रहा था इसको, ये कहीं से पेपर का कोना उड़े या कुछ उड़े। ये दो बहनें हैं, कजन्स हैं, बहनें हैं, पहली ने इतनी ट्राई किया है, फिर दूसरी ने कहा मेरी बारी, जहाँ तीसरी बार इन्होंने कहा ना वहाँ आ गया जवाब। Yes या no? चाली चाली तुम यहाँ हो, चाली चाली तुम यहाँ हो, चाली चाली तुम यहाँ हो। Yes या no जवाब दे दो। सजाद उसका पोटेंशियल बहुत स्मूथ है, मूविंग गाना। आपको स्लो करके दिखाऊं? दिखाएं। Yes या no जवाब दे दो। इस तमाम चीजों में पेपर जो जमीन पे रखा हुआ है, जवाब दे दो।
इस तमाम चीज़ों में जो पेपर ज़मीन पे रखा हुआ है ना, वो सबसे लाइट वेट है। अगर हवा होती या कुछ भी फैन से या साइड से आती तो कोई कोना भी ज़मीन से उठता, हवा नहीं उठी है। और वो जिस फैन से जिस तरीके से रखी हुई है वो डिसबैलेंस होकर लेफ्ट या साइड चली जाती, लेकिन वो सेंटर मोमेंटम पे है, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी वो सेंटर में ही है। यार बच्ची बच्ची बच्चियाँ तो डर गई होंगी, क्या हुआ ये? मैंने पहले जब देखा ना तो मुझे एक ये जवाब मिला कि अक्सर बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ हमें कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट्स हुए कि बच्चे बातें कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा और खुद बात कर रहे हैं, बच्चों को चीजें नजर आ रही हैं, बच्चे नाम बता रहे कि हम फलांस के साथ खेल रहे थे हालांकि वहां कोई भी नहीं था। सही, कई ऐसे वाकयात दुनिया में ये रोनुमा हुए हैं कि इन मखलूकात ने बच्चों के सामने खुद को जाहिर किया, क्योंकि उनमें इतनी अकल समझ नहीं होती, वो किसी को बता नहीं पाते, इनका राज अफशा करने पे थोड़ी सी ना समझ लें कि उनको आसानी होती है कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये देखिए, यस यस आपको स्लो करके दिखाऊं? Yes, yeah, no. जवाब दे दो। इस तमाम चीजों में जो पेपर जमीन पे रखा हुआ है ना, वो सब तक लाइट वेट है। अगर हवा होती या कुछ भी फैन से साइड से आती तो कोई कोना भी जमीन से उठता, हवा नहीं उठी है। और वो जिस फैन से जिस तरीके से रखी हुई है वो डिस्बैलेंस होकर लेफ्ट या साइड चली जाएगी, लेकिन वो सेंटर मोमेंटम पे है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो सेंटर में ही है। यार बच्ची 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 तो डर गई होंगी, क्या हुआ ये? मैंने पहले जब देखा ना तो मुझे एक ये जवाब मिला कि अक्सर बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ हमें कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट्स हुए कि बच्चे बातें कर रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा और ख़ुद बात कर रहे हैं, बच्चों को चीज़ें नज़र आ रही हैं, बच्चे नाम बता रहे हैं कि हम फलांस के साथ खेल रहे थे हालांकि वहाँ कोई भी नहीं था। कई ऐसे वाकयात दुनिया में ये रोनुमा हुए हैं कि इन मखलूकात ने बच्चों के सामने खुद को जाहिर किया, क्योंकि उनमें इतनी अकल समझ नहीं होती, वो किसी को बता नहीं पाते, इनका राज अफशा करने पे थोड़ी सी ना समझ लें कि उनको आसानी होती है कि किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ भी हमने देखा कि बच्चियाँ ही हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ अभी बच्चियों से। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि मुझे उनसे ज़रा बताइएगा कि उन्होंने किया क्या और हुआ क्या। शाह फैसल कॉलोनी हमारे एयरपोर्ट के सामने, तो बहुत करीब करीब 10 मिनट की राइड नहीं, बड़ा गुंजालाबाद इलाका, ये स्कूल से जी कुछ सीख कर आए और वही सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियोस हैं जिनको ये देख के इन्होंने कोशिश की है और खुद डर गई है। यार डरेंगी बच्चियाँ, बस बड़े बड़े डर जाएंगे, ये तो किसी के सामने ऐसा हो जाए अगर वो जो चाह रहे हैं वो हो जाए। वो पैसे तो नहीं कहते कि जी हमारे ईमान का हिस्सा है, उनका वजूद तो है ना, कहीं जाहिर कर देते हैं कहीं, तो ये एक तरह से खेल है। सही, जैसे जिन्नात के भी बच्चे हैं, खाते हैं पीते हैं, शादियाँ इंतकाल मौत सब इबादतें बच्चे सब कुछ, तो उनके भी बच्चे हैं, तो कर दिया जी उन्होंने जाहिर। अब इनका क्या कहना है आगे मैं दिखाता हूँ। अच्छा ये बच्ची हैं, अरे तो बड़ी मासूम, बहुत छोटी छोटी सी हैं। हाँ पहले इसने शायद कोशिश की है, आई डोंट अच्छा। की है इनमें से, देखिएगा आना पूछा मैं ये वाक्य वैसा कि एक बच्चा कह रहा था कि आना वो ये वाला गेम खेलते हैं और फिर हमने ना ये वाला गेम खेला और हमने पेंसिल घूम गई थी पूरी, फिर हमने घर में आके करा, फिर हमने करा तो वो द्वारा हमारे साथ ही हुआ, हमने पूछा यहाँ वो, उसने 3 दफा पूछा तो उन्होंने बोला हाँ, ट्यूशन में किसी बच्चे ने किया था ये। अच्छा ट्यूशन में किसी बच्चे ने किया तो इन्होंने देखा, घर आके इन्होंने कोशिश की
वो ये हो गया, कहते डर के मारे हम खुद भाग गए। तो अर्ज ये है कि एक जो पर्दा है ना वो किसी वजह से है। सही सही ठीक, किसी वजह से है एक पर्दा। और हम इंसानों में ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जब तक लिमिट में रहती हैं ना, इंसानों की आपसी मामलात की बात कर रहा हूँ मैं, एक लिमिट होती है, हर रिश्ते की लिमिट होती है, हर समझ ले काम की लिमिट होती है, जब वो क्रॉस हो जाए तो रिश्ते भी खराब हो जाते। इसी तरह ये जो पर्दा है तो बहुत बड़ी वजह है जो पर्दा है। सही। खुद से आप अप्रोच ना करें, ये बात मैं आपको यूं कह रहा हूँ कि फरमाते हैं कि कभी तुम किसी मज़ूक को देखो ना, मज़ूक जो समझ लें शॉर्ट टर्म समझ लें, जो दुनिया से ना जिनका कोई इतना लेन देन नहीं होता, गाफिल जो रहते हैं वो ना अपनी एक एक मौज में, एक मस्ती में रहते हैं, वो किधर उनका ध्यान ख्याल होता है आप नहीं समझ सकते और आपको समझाया भी नहीं जा सकता। तो उधर क्या करना है कि मैं गदागद की बात नहीं कर रहा, मैं मज़ूक की बात कर रहा हूँ। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, एक मौज में रहते हैं, तो उनके मुतालिक हमें ये फरमाया है कि जब भी किसी मज़ूक को देखो या तुम्हारे सामने आ जाए तो खुद से कभी पहल मत करना दुआ की लालच में, इस लालच में ना कि मैं इनके किसी काम आ जाऊं, इन्होंने तो बस इशारा करना है मेरा काम हो जाना है। दुआओं में बड़ी पावर होती है, उनके नजर में बड़ी पावर होती है। फरमाया कि एहतियात, बस अलर्ट हो जाना किसी मज़ूक को देखकर, वो तुम्हें जितना और जो कहे ना अगर उतना ही करना, कम ज्यादा नहीं। वो कहे आधा गिलास पानी पिलाओ, आधा गिलास ही पिलाना, पूरा या कम नहीं पिला। वो कहे ₹5 दे दो, 5 ही देना, 2 या 10 नहीं दे। खुद से पहल नहीं करना, बस अलर्ट हो जाओ। सही। इसी तरह दादा ये मखलूकात हर जगह हैं। चलो बच्चे तो बच्चे हैं ना, इनमें फिर खैर है बच्चों की खा, लेकिन ये इस तरह से रिकॉल करना ना, क्योंकि मैंने देखा है कभी कभार चीज़ें आप बढ़ाई, आप तो शायद बढ़ा दो फिर अगर वहां से चीजें बढ़ी ना तो शायद आप निभा नहीं सको फिर। सही। कहते हैं ना दोस्ती वो अच्छी जो निभा सके इंसान। तो बेहतर है कि एहतियात बेहतर है। पोशीदा चीजें इनको पोशीदा रहने ही हर जगह मौजूद है। उनके बारे में ये कि आसमान से अगर सुई फेंके नीचे ना आए, इन्हीं पे ही ठहरे। तो बस अल्लाह ने इनको अब ये बात हकीकत है कि इनकी चीजें छुपाई हुई हैं, हमारी आंखों से पर्दा किया हुआ है। अभी कल परसों में पढ़ रहा था जब कि अभी सोशल मीडिया पे ही चल रही थी कि अगर आप ये कुत्ते को और जानवरों को भौंकते हुए देखें तो लाहौल वाला बहुत पड़े, क्योंकि ये उन मखलूकात को देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते। अब ना ये तो मासूम बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, खैर है, मतलब एक था एक्सपेरिमेंट, एक थी, चलो भाई करके देख लिया। हाँ। अब तो शायद ये करेंगी भी नहीं मेरे ख्याल से, और कोई ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा कि इनको आप डांटें सजा दें, ना ना, माशाल्लाह से मासूम है। और जब आप किसी का साथ कुछ गलत नहीं करते, आपके साथ भी गलत नहीं होता, नियत की बात है, बस एहतियात है। ये क्या जितने भी देख रहे हैं ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी, खुद से नहीं। मैंने आज तक कभी अपने घर पे कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की। सही। मुझे लोग कहते थे आप अपने घर पे चीजें इस्तेमाल करते हैं, चेक करते हैं, नहीं भाई मुझे रहना है वहाँ पे। सही सही, मतलब बात ये है, मुझे याद है कि हम दोनों के दरमियान बात हुई थी कि करें प्रैक्टिस, देखा तो भाई अगर जवाब आ गया तो क्या होगा, वही बात, छोड़ना पड़ेगा भाई, वही बात है। और वो जवाब पे मुनस्सा रह गए, वो कैसा आता है। खैर यहाँ तो मोहब्बत वाला है, बच्ची बड़ी प्यारी प्यारी हैं, जो तो भी इनके लिए अच्छा है। सर शाह फैसल कॉलोनी कराची में हुआ है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, हवा आप वाली बात, अगर हवा चलती सबसे पहले वो पेपर हिलता हटता, और उसी टाइम पर, और ऐसा नहीं कि कोई झटका या कोई फोर्स, बिल्कुल स्मूथली एक चीज जो है ना, और वो हाथ से या किसी और चीज से किया नहीं जा सकता इतना स्मूथली मूव, उसको पिविट पॉइंट होता है, पिविट पॉइंट होता है, वो पिविट पॉइंट होता है जो उसको आर्क बनाता है, लीवर बनाता है, वो सेंटर में था, जब यानी कि वो देखे ना, वो सेंटर में है उसका पिविट पॉइंट जहाँ से वो लीवर हिलता है, तो इसका जो सेंटर में, तो वो सेंटर से ही मूव हुआ है जी। और एंड में कुछ और कह रही है, यही बात है। मैं आपको एक बार वीडियो वो दिखा देता हूँ, और के ये चेक कीजिएगा, दुनिया हो चाली चाली दुनिया हो
Yes या नो, जवाब दे दो। मतलब आप तसल्ली से देख लें, आप चेक कर लें ये मूवमेंट को। हाँ सेंड, कोई शेड, कोई ऐसी बात, कुछ नहीं यार। ये भी नहीं कि पूरा घूम गई, वाकईतन सिर्फ यस पे आके चीज रुक गई है, नो पे नहीं गई है। किसी कोई पीछे होगा मैंने कहा चलो घुमा देते हैं, बच्चे कह रहे हैं, बच्चों की मोहब्बत कहने का अंदाज भी तो प्यारा था ना। हाँ। तो प्यारी चीज मौजूद थी, मैंने कहा बाज़ वक़्त आती है ना प्यारी प्यारी खुशबू आती है, प्यारे प्यारे चीजें आती हैं, एहसास होते हैं। मेरे ख्याल से इनको ना कह तो दिया हुआ इन्होंने, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया आपने अपनी मौजूदगी जाहिर की बगैर किसी नुकसान के। हम बच्चियों ने बाद में वीडियो बनाई है ना, जो अपनी बनाई है, मैंने कहा था कि आप मुझे ना इसका फीडबैक दीजिएगा। माशाल्लाह से सब खैरियत है, अल्लाह खैरियत ही रखे। ये मखलूक की मौजूदगी ना बाय से बरकत बनाए आपके लिए और होगी भी इंशाल्लाह और फायदेमंद रहे जी। बस ये है कि मेरा मशवरा या मेरा ख्याल ये है कि एहतियात बेहतर है। सही। और ये मैं इसको जोड़ी है उस बात से कि कुछ जिनको हम नहीं समझते नहीं जानते उनके मुतालिक हमें ये फरमाया हुआ है कि अलर्ट रहना, वो जो कह दें जितना कह दें उतना करना, खुद से पहल मत करना, कभी गड़बड़ भी हो जाती है। सही। ऊपर से आते हैं ना जो सानू दसो कोई काम कुछ है यार, तू मतलब बात ये है वो बंदा रब से डायरेक्ट है, उनका कनेक्शन है, मतलब क्यों लालच है नियत की बात, अपनी नियत गड़बड़ कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं होटल पे एक दफा चाय में एक बंदी के साथ बैठा हुआ था, तो वो आए मुझे चाय पीनी है, अच्छा नाश्ते का टाइम था, मैंने कहा इनको जो चाहिए दे दें, उन्होंने कहा सिर्फ चाय पीनी है, तो होटल वाले ने कहा इसको सिर्फ चाय पीनी है, आपको क्यों करा सकते। वो भी उन्हीं कैटेगरी में से थे। मैं आपको बता दूँ, मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ, इत्तेफाक से हलवा पूरी का नाश्ता हो रहा था। अच्छा। तो मेरे टेबल पे ना पानी की बोतल नहीं होती छोटी, वो आधी पी के ना मैंने रख दी थी नाश्ते से पहले, नाश्ता आ रहा था, मैं दूर से देखा एक साहब आ रहे हैं ना, बहुत दूर से देखा ना, मुझे बात याद आ गई, मैं अलर्ट हो गया, फैमिली लगी हुई अपनी बातों में गुफ्तगू में, वो सामने से आ रहे थे, मैं उनको देख रहा था और कोई नहीं देख रहा था ना। अब शराज में कोई 15-20 टेबलें होंगी, हलवा पूरी का नाश्ता यहाँ वहाँ, अब ना वो बीच बीच में से आ रहे हैं ना, इधर इधर इधर, और मैं देख रहा हूँ मेरे पास ही आ रहे हैं मैं अलर्ट हो गया ना, मैंने कैसे जात बस एहतियात कर। वो जी सारी टेबलें छोड़ के मेरी टेबल पर आए। सही। और जो मेरी बोतल थी ना पानी की, हाँ। वो उठा के जाने लगे। सही। तो फैमिली में हमारे ओए मैंने कहा यार मैं दूसरी मंगा देता हूँ, कोई बात नहीं छोड़ो, तो क्या है पानी को लेकर इतना ना, हमारी बोतल, मैंने कहा खैर है कोई मसला नहीं है, पानी है, अच्छा है, सवाब का काम है। सही। तो भाई साहब ये हुआ है। सही। मैं किताबी बात नहीं कह रहा हूँ आपसे, ये हुआ है सुबह बादराबाद पर हुआ, तो ऐसा हुआ है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ एहतियात जो है ना बस वो करे, और जो नवाजा जाए, जो नवाजा जाए अल्लाह पाक की तरफ से, तो ये सब आपके सामने है जी, दोबारा देखें, गौर से देखें, चेक करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।